विश्वविद्यालय के प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल मगध विश्वविद्यालय के प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल परीक्षा लो परिणाम दो परिणाम दो परिणाम दो परीक्षा लो परिणाम दो परिणाम दो परिणाम दो सभी सेशन को समय से पूरा करना होगा करना होगा करना होगा सभी सेशन को समय से पूरा करना होगा करना होगा करना होगा क्या चीज का धरना व्यक्ति है आप लोग? देखिए हम लोग विगत यहाँ पर 8 दिनों से 2400 घंटा लगातार बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कुलपति महोदय से कि जो भी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम लंबित हैं, चाहे पीजी के एग्ज़ाम लंबित हैं या वोकेशनल कोर्सेज के एग्ज़ाम लंबित हैं एवं रिजल्ट लंबित हैं, उन लोगों को तुरंत प्रकाशित किया जाए। जो कोर्स 3 वर्ष का है, अभी तक 5 साल हो चुका है, अभी तक उन लोगों को पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी रेगुलेशन के तहत किसी भी स्नातक कोर्स का 5 साल तक ही रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। तो आप ही बताइए कि जब 5 साल में हमारा एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा तो उस डिग्री का क्या वैल्यू होगा? किन किन मांगों को लेकर के आप लोग धरना स्थल बैठे हुए? हम लोग यहाँ पर परीक्षा रिजल्ट और डिग्री की मांगों के लेकर बैठे हुए। कितने दिन से बैठे हुए हैं? हम लोग लगातार 8 दिनों से यहाँ 2400 घंटा दिन और रात बैठे हुए हैं। तो क्या आश्वासन मिला भी? देखिए तीसरे दिन ही हमारे धरना स्थल पे कुलपति महोदय आए थे और उन्होंने 5 लोगों को डेलीगेट्स के रूप में अपने कार्यालय में बुलाया था और यहाँ से 5 लोग गए थे बात करने के लिए, लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि आपके रिजल्ट दे दिया जाएगा। कोई मतलब समय सीमा नहीं दिया गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग की जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है, BA पार्ट 1 और पार्ट 2 का जब तक एग्ज़ाम नहीं दे दिया, रिजल्ट और एग्ज़ाम नहीं ले लिया जाता, तब तक हम लोग यहाँ पर लगातार बैठे रहेंगे। और कुलपति महोदय से कहना चाहते हैं कि जब तक वे हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। कौन कौन विषय, कौन कौन का परीक्षा लंबित है? देखिए लगभग 28 विषयों का परीक्षा लंबित है, उसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और वोकेशनल सारे कोर्सेस हैं, जिसमें BPT, BCA, BBM, लॉ वगैरह सारे एग्जाम्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो सभी का परीक्षा फल प्रकाशित नहीं न किसी का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। जिनका परीक्षा फल प्रकाशित किया गया उनका फॉर्म भरा है, वो लगभग 8 महीने हो गए हैं, फिर भी अभी तक एग्जाम लेने के लिए कोई डेट निर्धारित नहीं किया गया। क्या नाम हुआ? कमलेश कुमार, शोधार्थी छात्र, इकोनॉमिक्स।